हाँ अच्छा है। अच्छा ठीक है भाई, बहुत अच्छा है बस। रुशना मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। ओके बाय बाय। सिरिदा बड़े चाहने वाले हैं तुम्हारे यार। कोई कांटों में उलझा हुआ आंचल सुलझाता है तो कोई आंचल में लगी हुई आग को बुझाता है। कैसे कैसे भाभी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं वही प्यार मोहब्बत वाली बातें जो पता नहीं तुम अभी किससे कर रही थी। भाभी आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं रुशना से बात कर रही थी, चाहे तो आप देख लें। अच्छा चलो ऐसी कोई बात नहीं, मैं गलत तुम सही, तो बताओ ना मुझे सही कह रहे हो। मैं बताती हूँ, पहले हातिम के दोस्त का तुम्हारा आंचल आग से बचाना, वेरी फिल्मी, वाओ। फिर अपनी माँ के साथ रिश्ता लेकर आ जाना, ये तो isn't it bit strange? प्लीज भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। अच्छा चलो सही है, तुम सब बातें छोड़ो, मर्दों का दिल कैसे लुभा लेते हो यार। कोई तुम्हें फोन पे मैसेजेस करता है, कोई तुम्हारा कांटों में उलझा हुआ आंचल सुलझाते है, तो कोई आग से खींच जाते हैं। वाह यार वेरी इंप्रेसिव यार। चलो दूर नहीं जाते, हम आ जाते हैं तुम्हारे भाइयों पर आ जाते हैं। एक आंसू गिराती हो लाइन लग जाती है तीनों की, रिदा 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 रिदा। कैसे मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ यार, मुझे भी तो कोई ट्रिक सिखाओ ना, मैं भी उंगलियों पे नचा सकूँ यार, मैं भी रो सकूँ, मैं भी सिंपथीज ले सकूँ ना। भाभी प्लीज प्लीज ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत मतलब ना निकालो। रिदा कैसे आ जाते हैं आंसू यार। रिदा रिदा मेरी जान इसमें ना रोने वाली बात नहीं है। देखो मेरी जान मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये जो बातें हैं ना ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। भाइयों के सामने मासूम बनना, माँ के सामने क्यूट सी बेटी बन जाना, यहाँ पे इश्क माशूकियाँ चलाना, गेम तुम्हारी बहुत स्ट्रांग है, सीखना पड़ेगा तुमसे। मजा आएगा साइदा के हाथ की कॉफी पीने का। रिदा? रिदा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? भाई भाभी हाँ क्या क्या हुआ? भाई भाभी मुझ पे बहुत बहुत इल्जाम लगाती है, उल्टी सीधी बातें करती है मुझसे, मैंने कभी किसी को नहीं बताया, मैं आपको बता रही हूँ। अभी भी उन्होंने मुझसे बहुत अजीब बात की है कि मेरा लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है। मैं खुदा की कसम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको यकीन दिलाने के लिए तैयार हूँ भाई। नहीं नहीं मुझे यकीन है, मुझे बिल्कुल यकीन है। तुम एक मिनट से शमीला शमीला ये क्या कह रही है? कहा मैं ऐसे समझाते हैं तुम, उसके किरदार पर कीचड़ उछाल रही थी, ये समझा रही थी तुम उसे? एक मिनट में देखो हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा, अगर तुम्हें रहना है तो रहो वरना जाओ यहाँ से। वहां मैं सिर्फ रिदा को समझा रही थी, कुछ गलत नहीं कह रही थी। और क्या जाऊँ मैं यहाँ से, यतीम हूँ, कोई पीछे आने वाला नहीं है, इसलिए कह रही है जाओ यहाँ से। देख रही आप हुआ क्या है बताओ तो सही, ये तरबियत की आपने इनकी कि मुझे घर से बाहर जाने के लिए कह रही है? हाँ यही तरबियत की है हमारी माँ ने हमारी, और बहुत अच्छी तरबियत की है। तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता हमारी माँ की तरबियत पर उंगली उठाने का। मैं एक मेरी बात सुनो, हम अपने घर में बहुत सुकून से रह रहे हैं,
अगर तुम्हें इस सुकून को बर्बाद करना है ना, तो उससे पहले मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। क्यों निकलूं मैं यहाँ से? आप इसको कुछ नहीं कह रही, आप इसको नहीं समझा रही। तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे घर से जाने के लिए कह रहे हो तुम? मम्मी जी, वो आपके सामने हम सबकी बेइज्जती कर रही है और आप मुझे ही कह रही है। तुम अपनी बहन को नहीं देख रही, वो क्या हरकत कर रही? मारना था ना, मारिए, बहन छोड़ दी, मार दी, क्यों नहीं मारे ना? अरे तुम जाओ, खुदा के वास्ते चली जाओ तुम यहाँ से। क्यों चली जाओ? और तुम रिदा 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 ये तमाशा देख माना तो खुश हो गई यहाँ। क्यों क्यों ये कर, हमारे घर में इतना तमाशा? मम्मी जी, वो आपके सामने रिदा के किरदार पर कीचड़ उछाल रही थी, उसके बारे में गलत बातें कर रही थी। मैं तुमने हाथ क्यों उठाया? मम्मी जी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी भाई, आसिम आसिम भाई, एम्बुलेंस कॉल करिए। आसिम आसिम जल्दी आओ। अम्मी जी, अल्लाह मेरी माँ की हिफाजत फरमाना। फाम भाई भी अभी तक नहीं आया, पता नहीं मामा को क्या हो गया। रिदा, कुछ नहीं हुआ होगा उन्हें, उनका बीपी बहुत हाई हो गया था यार। आज से पहले शायद उनका बीपी इतना हाई नहीं हुआ कि वो चक्कर खाए और गिरी हो। खाने के टिपे पे तो नॉर्मल थी, लेकिन क्या बात हुई है? कोई बात हुई क्या? शमीला, भाभी की बातों का असर लिया मामा ने। क्या मतलब? शमीला भाभी ने क्या बोला? क्या बेटा, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? बात क्या है? बात बताओ। मैं जाके देखना चाहती हूँ मामा को। भाई आप भी मेरे साथ चलें। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। फाम भाई है ना? क्या बोला शमीला भाभी? शमीला, अरे क्या हो गया है? क्यों रो रही हो तुम? मम्मी, मम्मी मुझ पर हाथ उठाए। क्या क्या कह रही हो तुम? फाम ऐसा नहीं कर सकता। खाला जान ने इतनी पटियां पढ़ाई है उसको, मम्मी उसको जहन इतना पसंद कर दिए मेरी तरफ से। आप मुझसे बात भी नहीं कर रहा, बहुत जालिम है आपकी बहन। अरे आपा ऐसी नहीं है, तुम ही ने कुछ उल्टा सीधा किया होगा। ना फहम ऐसा है, ना आपा ऐसी है। मम्मी, आपसे तो बंदा अपने दिल की बात भी ना करे। मेरी माँओं की मुझ पर ही शक कर रही है। शमीला, शमीला क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? मैं फोन करके पूछती हूँ, फहम से पूछती हूँ और आपा से भी पूछती हूँ। डॉक्टर साहब, अब जो कंडीशन है उस कंडीशन में बहरहाल दवाइयाँ दे रहे हैं। कैसी तबीयत है मामा की? हाँ, अब तो बहुत बेहतर है। ये अच्छा हुआ कि आप लोग उनको टाइम पे हॉस्पिटल ले आए, वरना उन्हें ब्रेन हेमरेज भी हो सकता था। ब्रेन हेमरेज? अब वो बिल्कुल ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उनका बीपी हाई ना हो। जी, थैंक यू भाई। आई एम सो सॉरी। तुम क्यों सॉरी कह रही? तो कोई कसूर नहीं था ना इसमें। तुम लोगों ने सुना नहीं, वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मम्मी जी बिल्कुल ठीक हैं और बस अब हमें इस बात का ख्याल करना है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई ना हो। काम करो,
मैं और हातिम यहीं रुक जाएंगे अम्मी जी के पास, आसिम तुम रिदा को घर ले जाओ। नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, अम्मी को मेरी जरूरत भी पड़ सकती है। रिदा चले जाओ आसिम के साथ घर, हम है ना, कहा है ना भाई ने, मुझे नहीं जाना ना घर। हाँ ना, तुम लोग सुबह आ जाना, रात को क्यों अपने आप को थकाओगे यहाँ पर। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मैं भी नहीं जाऊंगा। बात क्यों नहीं सुन रहे तुम लोग? मैं भी नहीं जाऊंगी। सलाम अलैकुम खाला जी। फाहम बेटा, कहाँ हो बेटा तुम, और शमीरा कहाँ है? खाला जान हम लोग हॉस्पिटल में हैं, अम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, आज रात उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, कल सुबह ही वापस आएंगे। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ आपा को? मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब आप अपनी लाडली बेटी से लेने तो ज्यादा बेहतर होगा। कोई बता क्यों नहीं रहा, भाभी ने बोला क्या अम्मी जी को? नहीं नहीं कुछ नहीं, बाद में करेंगे। ये सब घर वाले पता नहीं मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए, मैं घर में अकेली हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपा अस्पताल में है और दुआ करो कि वो ठीक हो जाए, वरना। क्या खाला जान हॉस्पिटल में? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, थोड़ा सा। अरे भाई वहाँ डॉक्टर से पूछो हम जाएं, क्यों बैठे हैं हम इधर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पता है आप बिल्कुल ठीक है, मैं वो डिस्चार्ज स्लिप वाले से बात कर चुका हूँ, मैं पता करके आ जाता हूँ। रिदा और आसिम से कहा था कि घर चले जाएं रात में, लेकिन जिद करके बैठे नहीं गए। बहुत अच्छा हुआ, देखो यहाँ रुके हैं तो खिदमत भी तो करनी पड़ रही है ना। शाबाश, जोर से पैर दबाओ। मैं कमिन जी, आ जाइए। सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? सलाम अलैकुम जी। माँ जी मैं ऑफिस गया तो पता चला कि आप ऑफिस नहीं आए, मैंने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो पूछने के लिए आ गया। हाँ यार, वो बस रात में अचानक तबीयत खराब हो गई थी तो हॉस्पिटल ले गए। अरे बेटा इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत थी? नहीं नहीं आप प्लीज़ इसे तकल्लुफ का नाम तो मत दीजिए, मेरा मतलब है सर की माँ है तो मेरे लिए भी माँ की जगह है। आई होप मेरा ऐसे यहाँ आ जाना बुरा नहीं लगा आप लोगों को। नहीं नहीं, ऐसी बुरा लगने वाली क्या बात है इसमें, आपने अच्छा किया आप आ गए, लेकिन हम खुद जाने वाले थे। इनफैक्ट मैं डिस्चार्ज स्लिप बनवा के आ जाता हूँ। अच्छा चले, माशाल्लाह जा रहे हैं आप, ठीक है। अभी तो अकेला आया हूँ, मैं माँ जी को लेके आऊँगा, वो
आएंगी मेरे साथ इंशाल्लाह। अरे नहीं नहीं, इस जहमत की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लोग तो बस ऐसे ही फालतू में मुझे यहाँ ले आए। ज़िशान, मीटिंग थी ना आज, तो कैसी रही? हाँ जी सर, वो लोग आ गए थे, मैं बताता हूँ आपको। माँ जी मैं चलता हूँ फिर, खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। आ जाओ। जब तक मैं सेफ काट रहा हूँ, आप जूस तो पिए माँ। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। अच्छा अभी रहने दो। मामा के लिए मेडिसिन्स भी लेनी है भाई। हाँ वो मैंने हातिम और आसिम को प्रिस्क्रिप्शन दे दी थी, वो कह रहे थे हम लेते हैं। सामने कम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक। खाला जान, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दे। आप तो मुझे माफ कर दिया करती थी ना, आप जानती हैं मुझसे, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती, बस मेरे मुंह से निकल जाता है। ऊपर से नायला भाभी। अच्छा बस, सब इससे ज्यादा जो हो गया सो हो गया, आइंदा से गलती नहीं होनी चाहिए। खाला जान, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी जिससे आप मुझसे खफा हों। फहाम, मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। रिदा, तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ। खाला जान, बस आप मुझसे नाराज़ ना हो, प्लीज़ आप सब लोग मुझे माफ़ कर दें। खाला जान, आप मेरी माँ भी तो हैं, आप मुझे बचपन से जानती हैं कि मैं ऐसी गलतियाँ कर दिया करती हूँ। आप पहले भी तो समझाया करती थी, डांट दिया करती थी, अभी भी समझा दे मुझसे, इसे खफा ना हो। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आप खाने में क्या खाएंगे, मैं आपके लिए क्या बनाऊं? दलिया बनाऊं, सूप बनाऊं, जो कहेंगी वो बनाऊंगी। अम्मी जी मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हूं। रिदा, अम्मी जी का ख्याल तुमने रखना है, किसी और ने नहीं। उनको मेडिसिन वक्त पर दे देना और उनका सूप खुद बनाकर उन्हें देना। जी भाई। अम्मी, आज के बाद मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, हाथ से आपकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। लाओ रिदव, मैं काटती हूँ, दे दो। ये लें, खा लें थोड़ा सा। बस रहने दो। माँ जी मैं तो बहुत पूरी उम्मीद था, लेकिन वो लोग तो इनकार करने का सोच रहे हैं। ना उम्मीद क्यों हो रहे हो, किया तो नहीं ना इनकार? अल्लाह करे वो लोग इनकार ना करें। बहुत मोहब्बत करने लगे हो। जी माँ जी, माँ जी सच कहूँ तो मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि किसी लड़की को सिर्फ एक नज़र देखूँगा तो ऐसा हाल हो जाएगा मेरा, मैंने सोचा भी नहीं था। तो फिर दुआ करो, मोहब्बत करने वालों को अल्लाह आजमाइश में तो डालता है। मेरा अल्लाह आजमा रहा है मुझे माँ जी। वो चाहता है ना कि अगर इतना बड़ा दावा कर रहे हो तो देखे कि तुम कितने सच्चे हो। मैं हर आजमाइश में पूरा उतरूंगा माँ जी। पक्की बात है? जानता हूँ माँ जी, इसीलिए कह रहा हूँ। हातिम का नंबर मिलाओ। नंबर बंद है माँ जी उसका। लैंडलाइन?
तेरे पास नहीं है वो? आया था ना वो वेडिंग का इनवाइट, उस पे होगा वो कहाँ? हाँ वहाँ मैं देखता हूँ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मैं ज़ीशान की माँ बात कर रही हूँ। ज़ीशान की अम्मी? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप? मैं रिदा की भाभी बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी। अच्छा अच्छा, मैंने वो खतीजा की खैरियत मालूम करने के लिए फ़ोन किया था, वो आ गई है ना हॉस्पिटल से, बात करवा सकती हो? जी आंटी, खाला जान तो वापस आ गई लेकिन अभी वो अपने कमरे में। आप नंबर नोट करें ना। एक सेकेंड। जी 0333-8855। आंटी रिदा का नंबर है, वो आपकी खालाजान से फौरन बात करवा देगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपने मेरा नंबर किसको दिया और क्यों? रिदा ज़ीशान की अम्मी थी, वो हमारे लिए गैर नहीं है अब। मगर उन्होंने खालाजान से बात करनी थी, तुम करवा देना। ज़ाहिदा, रिदा का नंबर। माँ, माँ फोन आ रहा है, ले, बंद हो गया। बाद में करूंगी, बिजी होगी। किसका फोन था? ज़ीशान की मामा का। तो तुम्हारे मोबाइल पर क्यों आ रहा था? शमीला भाभी ने नंबर दिया मेरा। रिदा इधर आओ, इधर बैठो मेरे पास। जी माँ। देखो बेटा, अब तुम्हें हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। नौबत जब इल्जामात तक पहुंच जाए ना, फिर उसकी कोई हद नहीं होती। मामा मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, शमीला भाभी मेरे साथ ये सब क्यों कर रही? जिन दिलों में हसद, नफरत और कीना होता है ना, उन्हें इजहार के लिए किसी जवाब की जरूरत नहीं होती, ये उनकी फितरत होती है। मेरा कसूर क्या है मामा? तुम्हारा कसूर? सब प्यार करते हैं तुमसे, मेरी जान, हर दिल अजीज हो तुम। और शमीला वो कॉम्प्लेक्स्ड है, उसका बाप बचपन में फौत हो गया, भाई भाभी से उसकी बनती नहीं, और कुछ उसकी अपनी फितरत। लेकिन मामा, शमीला भाभी इतनी अजीबोगरीब हरकतें करती हैं, आप यकीन करें मुझे उनकी बिल्कुल समझ नहीं आती। जो मैं सोच भी नहीं सकती, मेरे बहनों को मान में नहीं होता वो कर सकती। इसीलिए कह रही हूँ बेटा, मोहतात रहना, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह अपने बंदों को, जिनके दिल साफ होते हैं, जो मासूम होते हैं, खुद हर मुश्किल से बचा लेते हैं। फिर फोन आ रहा है। बंद कर दो बेटा, मुझे बात नहीं करनी। जब हमने रिश्ता ही नहीं करना, तो फिर इतनी तमीज बांधने की, लंबी चौड़ी बात करने का कोई फायदा नहीं। जी जी। अच्छा, अब आप क्यों परेशान हो रही हैं? नहीं मेरी जान, मैं बिल्कुल परेशान नहीं, बस तुम खुश रहा करो। हाँ भाई, एतराफ किया इसने? सर बहुत डीट बंदा है ये।
तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मेरे पास इस फाइल में मौजूद हैं। तुम ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तुम खुद इस बात को मानोगे या मैं अपने तरीके से एतराफ करूं? सर आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा लड़का नहीं हूं सर। अच्छा, कैफे में मौजूद हर लड़की का बयान इस फाइल में मौजूद है। इसके अलावा जिन शरीफ लोगों को तुमने रॉन्ग कॉल्स और मैसेजेस करके तंग किया है ना, वो भी सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। और अब तुम कहोगे कि वो भी झूठ है? सर कौन सा नेट कैफे, कौन से मैसेजेस, कैसी ब्लैकमेलिंग? सर आप लोगों को गलत फहमी हुई है, आप लोगों ने गलत लड़के को पकड़ा है। मां कसम सर मैं ऐसा नहीं हूं। बकवास बंद करो, तुम अपने जराइम पे पर्दा डालने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं ऐसा नहीं हूं, तुम्हें तुम्हारे जराइम का एतराफ करना पड़ेगा। लॉकअप में ले जाओ इसे, और अगर ये अपने जराइम ना माने तो फिर अपने तरीके से मान जाओ। सर वो बिल्कुल पागल है, बहन है ना, परेशान हो जाती है छोटी छोटी सी बात पर। अच्छा चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। वो हातिम भाई के दोस्त हैं ना, जिशान भाई, उनकी अम्मी आपसे मिलने आई हैं। बैठाओ उन्हें। माशाल्लाह घर तो बहुत अच्छा रखा हुआ है, लगता है बहुत रख रखाव वाले लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? जी जी, ये मेरी भाभी हैं समरा। हाँ जी जी, अस्सलाम अस्सलाम। और ये रिदा की मदर है। बैठ। बस वो आपकी खैरियत मालूम करनी थी, मैंने तबीयत पूछने के लिए 2-3 बार कॉल की लेकिन आपसे बात नहीं हो सकी, तो सोचा खुद ही जाके मालूम कर लूँ। बहुत शुक्रिया। ये रिदा बेटी कहाँ है, आप उसे तो बुलाएं। देखिए जो आपने रिश्ते की बात की थी ना, वो मुमकिन नहीं बहन। दरअसल मेरे बेटे नहीं मान रहे। अब ऐसे मामले में जोर जबरदस्ती तो चलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे कहूँगी कि ऐसे मसले में मोहब्बत, खुलूस और चाहत को देखना चाहिए, उसका कोई नेमल बदल नहीं होता। और फिर अपने दर पर आने वालों को तो अल्लाह ताला भी नहीं लौटाता। आपसे गुजारिश है कि मुझे मायूस मत कीजिए। देखिए खदीजा बहन, हमारे जीशान जैसा लड़का तो लाखों में एक है, माशाल्लाह तमीज़दार, समझदार, सबसे अदब से बात करने वाला, ऐसा रिश्ता मिलना तो बहुत मुश्किल होगा। और फिर मेरी आपा जैसी सास, ये तो नसीब वालों को ही मिलती हैं। अब वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर आपको रिदा की तालीम की फिक्र है तो वो मुकम्मल करेगी। हम आपकी तरह अमीर तो नहीं हैं, पहले थे लेकिन अब हालात वैसे नहीं रहे। मैं आपसे कोई बात छुपा नहीं रही, प्लीज़ इनकार मत कीजिए। आपने तो मुझे उलझा कर रख दिया है। लड़की वालों के यहाँ रिश्ते तो बहुत आते हैं, लेकिन बेटियाँ वहाँ ही ब्याहनी चाहिए जहाँ बेटी की इज्जत और कदर है। मामा वो ज़ायदा अपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, ये रिदा है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम रिदा हो? जी। माशाल्लाह कितनी प्यारी बेटी है आपकी, अल्लाह ताला हर बुरी नज़र से बचाए तुम्हें। आप रिदा बेटा तुम जाओ और ज़ायदा से बोलो कि चाय लेकर आए। जी मामा। खदीजा बहन आप एक दफ़ा हमारे रिश्ते पर गौर ज़रूर कीजिएगा। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। बस एक गुजारिश है, इनकार मत कीजिएगा। जो खुदा को मंजूर। मुझे सच सच बताओ आखिर इस घर में चल क्या रहा है? तुमने तो मुझे फ़ोन पे रो रो के बताया था कि फहम गुस्से में है, और तुम यहाँ पर आपा के आगे पीछे घूम रही हो।
प्यारी अम्मी जान, पहले की टेढ़ी उंगली से निकालने की कोशिश की और जब नहीं निकला तो उंगली सीधी कर ली। देखो शमीला, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, इस घर का सुकून बर्बाद नहीं करना तुमने। अम्मी आप हमेशा मुझे ही क्यों कहती हैं ये सब? क्योंकि तुम्हारे यहाँ आ जाने से मेरे घर में बहुत सुकून है। नायला अपने कामों में लगी रहती है और मैं उससे कुछ नहीं कहती। तो यूं कहे ना कि नायला भाभी को अपनी मनमानियों का पूरा मौका मिल गया। जाहिर है बेटा, उसका घर है, जो जी में आए वो करे। अच्छा, उसका घर है और मेरा घर? क्या मुझे अपना घर कभी नसीब नहीं होगा अम्मी? अम्मी जब तक खाला जाना रहता है मुझे इस घर की मालकिन बनना कभी नसीब नहीं होगा। ये जो तुम्हारे जहन में इस घर की मालकिन बनने का भूत सवार हुआ है ना, अपने जहन से निकाल दो। आपा इस घर की बड़ी है और उनके होते हुए कभी ऐसा सोचना भी नहीं, समझने की कोशिश करो। क्यों समझने की कोशिश करूं मैं? और ऐसा क्यों नहीं हो सकता अम्मी? फहाम इस घर का बड़ा बेटा है, सारी कमाई उसकी और बाकी सभी फहाम की कमाई पे ऐश करते हैं। और अम्मी जान, मैं फहाम की बीवी हूँ, क्या मेरी कोई हैसियत है? खुदा के लिए छोड़ दो ये बातें, निकाल दो अपने जहन से ये सब कुछ। देखिएगा, पहले तो मैं रिता का पत्ता साफ करूंगी, फिर खाला जान का। इस घर की मालकिन तो मैं बन के रहूंगी। तुम्हें इतने मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं है, तो वैसे इस घर की मालकिन बन सकती हो। आपा ये तो ना समझ है, पता नहीं क्या क्या बोल गई है, आप इसे माफ कर दें। नहीं रियाना, ये तो हम सबसे ज्यादा समझदार है। ना समझ तो हम हैं जो इसकी चालाकियों को इसकी नादानियां समझते हैं। चलो आपा से माफी मांगो, फौरन माफी मांगो आपा से। नहीं रियाना, अभी मौका नहीं है माफी मांगने का, क्योंकि ये माफी भी मौका देखकर मांगती है और अभी वो मौका नहीं आया। घर की चाबियां चाहिए तो मिल जाएंगी, मगर मेरी बेटी और मेरे खिलाफ मक्कारियां करनी बंद कर दो। मैं कभी माफ नहीं करूंगी हरकतों की वजह से। सुना तुमने? जी 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 सर, ईमेल आपको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। हाँ, मुझे सिर्फ देख लेने दीजिए, यही आपका ईमेल एड्रेस। हेलो। हाँ भाई, कब आ सकते हो? एक बंदा आते चढ़ा है और उसने एतराफ़ किया कि तुम्हारे दोनों नंबर्स पर वही मैसेजेस करता था। कौन है वो? आप कौन? हैदर भाई, मैं हातिम बात कर रहा हूँ। कौन बंदा पकड़ा है आपने? आई कॉल यू बैक। बताइए मुझे, हातिम कौन मैसेजेस कर रहा था? फोन दो इधर। हातिम फोन। हाँ हैदर। हाँ फाम, जल्दी आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ भाई। भाई मैं भी साथ चलूँगा। यार नहीं, तुम नहीं मेरे साथ जा। मगर क्यों? तुम्हारी जरूरत नहीं है वहाँ पे यार। यार उस बंदे ने इतनी अजियत दी हमें और मैं। तो वो अजियत सिर्फ तुम्हें मिली है, हम सबको अजियत दी है, उसको इसकी सजा मिलेगी और जैसे तुम कहोगे वैसे ही मिलेगी। लेकिन फिलहाल तुम नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हारे गुस्से को जानता हूँ। भाई मैं साथ जाऊँगा। तुम्हें मेरी कसम है तुम नहीं जाओगे। आई हैंडल इट, प्लीज I'll keep updating you. रिदा मुझे बहुत अच्छी लगी, माशाल्लाह बहुत प्यारी और तमीज वाली बच्ची है, बस दुआ है कि बात बन जाए। अच्छा इजाजत दीजिए मुझे, खुदा हाफिज। अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे। खुदा हाफिज। माँ जी, वो ये पूछना चाह रहा था कि अब गई थी वहाँ तो जवाब में क्या कहा उन्होंने? मुझे लगता है अल्लाह ताला को भी तुम्हारी दुआओं की शिद्दत और लगन देखनी है, उन्होंने भी सोचने के लिए वक्त मांगा है। क्या सोचना है मजीद उन लोगों ने? बेटी वाले हैं भाई, सोचेंगे ही, क्यों नहीं सोचेंगे।
सोचा तुम्हारे मुजरिम से तुम्हारी मुलाकात कराई जाए। हाँ यार, बहुत ज़रूरी था, बड़ा स्ट्रेस दिया हुआ था उसने, मिलना तो चाहिए, देखना चाहिए कौन। सिर्फ तुम्हारी फैमिली नहीं, ना जाने और कितनी फैमिलीज की जिंदगियां बर्बाद कर चुके हैं। चोरी, डकैती, नशा और तो और लड़कियों की गलत वीडियोस बनाकर उन्हें भी ब्लैकमेल किया करता था। रियली? हाँ, ना जाने कितनी मासूम लड़कियां उसके जुर्म का निशाना बनी। तुम्हारा मुझे फरहान, तुम कर रहे थे ये सब कुछ? तुम फैमिली हो यार, खानदान का हिस्सा होते हुए खानदान की इज्जत कैसे उछाल रहे थे तुम? इज्जत? इज्जत की बात कर रहे हो तुम? तुमने जो मुझे सरेआम रुस्वा किया था वो संभालो। उठाओ सारा जल्दी। हेलो, हाँ फिक्र नहीं करो, तुम्हें आज मिल जाएगा सारा सामान। हाँ हाँ, यहाँ से शिपमेंट निकल रही है, पैसे तो आ रहे हैं। एक मिनट, हाँ मैं कॉल बैक करता हूँ। हाँ क्या है इसमें नीचे पे? फहम, वो शिपमेंट है ना। जाओ तुम यहाँ से। हाँ भाई, वो मैं आपको बताने वाला था। हाँ भाई देखिए, फैक्ट्री के हालात वैसे ही बहुत ख़राब हैं, ये तो फैमिली के लिए है, प्रॉफिट हो गए इससे। हम छोड़ो मुझे, छोड़ो हाँ भाई, हाँ भाई प्लीज मुझे माफ कर दे। हाँ भाई मैं ऐसा स्मगलिंग नहीं करूँगा, छोड़ो हाँ, कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुझे, छोड़ो मुझे, कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुझे, यहां से नहीं।